गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास मैथ की हमारी क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज 14.2, जिसमें क्या है फैक्टराइज वाले तरीके से हमें इनके वैल्यूज निकालनी है। और ये बहुत ही हमारी जो है इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि आगे हमारी जो 9th 10th या जो भी आगे हम अपनी क्लासेस करेंगे उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट ए स्क्वेयर प्लस 8 ए प्लस 16, हमें क्या करने हैं इनके फैक्टराइज करनी है। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं इसका कांस्टेंट और यहाँ का फर्स्ट और लास्ट टर्म के जो कांस्टेंट है उनको देखते हैं। इसका कांस्टेंट, जब कोई भी कांस्टेंट नहीं होता तो हम उसको क्या मानते हैं, वन लेके चलते हैं। तो यहाँ पर वन हो जाता है इसका कांस्टेंट और यहाँ पर 16। तो हम फर्स्ट वाले और लास्ट वाले जो कांस्टेंट है उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या आता है 16। अब हमें 8a, जो यहाँ पर 8a है, इसके ऐसे फैक्टराइज करने हैं, यानी 8 के ऐसे फैक्टराइज करने हैं कि भी मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए और डिवाइड करें तो, सॉरी, सब्ट्रैक्ट या एडिशन करें तो क्या आना चाहिए हमारा, 8 आना चाहिए। तो 8 के हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 4 हमारा क्या आता है, 16 आता है। और 8 4 + 4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। तो हमारे यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि भी मल्टीप्लाई करें तो 16 और प्लस माइनस यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ध्यान रखना है यहाँ पर प्लस 8 है तो यहाँ पर आंसर भी क्या आता है, प्लस 8। मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 16 आता है तो यहाँ पर भी क्या आता है, 16। फिर बता देता हूं, फर्स्ट वाला कॉन्स्टेंट और जो लास्ट वाला कॉन्स्टेंट है उसकी मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, हमारा आंसर आएगा 16। फिर देखते हैं 8 के जो हमारे फैक्टर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं कि भी मल्टीप्लाई करने से 16 आए और प्लस माइनस करने से क्या आए, ये हमारा 8 आए। अब इसको हम जो हमने फैक्टर यहां पर निकाले हैं इसको हम अपना क्या लिखेंगे, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ए स्क्वेयर एज इट इज लिखेंगे। ये 8a है, चलो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 और 16 की मल्टीप्लाई 16 आया था, जो 8 था 4 × 4 ये भी 16 आया था, और प्लस माइनस करने के बाद ये हमारा आया था 4 + 4 जो कि 8 था। अब हम ए स्क्वेयर प्लस 8a + 16, ए स्क्वेयर एज इट इज, 8a के हमारे फैक्टर क्या क्या थे, 4 + 4 यानी 4a और 4a, यहाँ पर 16 एज इट इज। अब इसमें से हम ए स्क्वेयर प्लस 4a, 1 पेयर इसका बना लेते हैं, और 4a + 16, 1 पेयर हमारा इसका बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है, ए स्क्वेयर प्लस 4a में से a कॉमन, यानी यहाँ पर a + 4 पेंडिंग है, यहाँ से 4 और a + 4 यहाँ से पेंडिंग हो जाएगा। तो a + 4 ये हमारा क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट के अंदर जो a + 4 है उसको हमने कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर क्या बचता है a + 4, यानी ये हमारा आ जाएगा फैक्टराइज। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको करना है। अब मैं ये वाला तरीका, जब आपको समझ आएगा तो डायरेक्टली आपको ये वाला तरीका यूज करना है। यहां से देखते हैं, यहां पर कॉन्स्टेंट 1 है, यहां पर 25, तो 1 × 25 हो जाएगा। -10, -10 के क्या पेयर बनाएंगे, तो -5 × -5, तभी हमारा क्या आएगा, 25 आएगा मल्टीप्लाई में, और -5 और -5 जब हम इसको ऐड करेंगे तभी क्या आएगा, -10 आएगा। इस तरीके से आपको ये करके दिखाया है। अब आपको क्या करना है, जब इस तरीके से फैक्टर बनाने आ जाएंगे तो डायरेक्ट आप इसको इक्वेशंस के रूप में करेंगे। जैसे यहां पर पी स्क्वेयर, यहाँ पर -5p, यहाँ पर फिर -5p + 25, पी स्क्वेयर -5p का 1 पेयर हो जाएगा। यहाँ से पहले माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से हो जाएगी, पी कॉमन तो p - 5, यहाँ से 5 कॉमन, यहाँ पर भी p - 5, p - 5 दोनों इक्वेशन में है, हम एक यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी ब्रैकेट के अंदर जो बचता है p - 5, ब्रैकेट वाला बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट से बाहर के p और -5 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो गया, p - 5 का स्क्वेयर रूट। फिर यहां पर देखते हैं,
ये है 25 और ये 9, तो 25 और 9 फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। अब 30 के पेयर देखते हैं हम, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 × 15 225 आ जाएगा, और 15 जो ये हमारे पेयर थे 15 और 15 जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये भी क्या आएगा हमारा 30 आएगा। इस तरीके से हमने ये इक्वेशंस लेनी है। अब हम करेंगे इनका 25m² हमने पेयर क्या लेनी है 15m + 15m और यहां से हमने लेना है 9, तो 25m² + 15m एक पेयर में हो जाएगा, 15m + 9 सेकंड पेयर। अब यहां से हम 25 और 15 5 कॉमन निकाल सकते हैं और m भी, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 5m + 3। यहां से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, ये भी आ जाएगा 5m + 3। अब देखते हैं दोनों ब्रैकेट के अंदर 5m + 3 कॉमन है, ब्रैकेट से बाहर जो बच जाता है 5m और ये 3, इनको हमने दूसरी ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ये फिर हमारा क्या हो जाएगा 5m + 3 का होल स्क्वायर। इसका एक डायरेक्ट तरीका और है जो मैं आपको इन सम्स के बाद बताऊंगा, लेकिन वो तरीका कहां पर यूज होगा वो भी बताऊंगा। अब यहां पर देखो p² + 6p + 8 सेम, p² + यहां पर 4p + 2p = + 8, 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, और 4 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो यहां पर p² + 4p एक पेयर के अंदर, 2p + 8 सेकंड पेयर में, यहां पर p + 4 रह जाएगा, यहां से 2 को मन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा p + 4 यहां पर आ जाएगा, p + 2 और p + 4 ये हमारे आ जाएंगे फैक्टराइज। फिर p² + 6p - 16, 1 और 16 कांस्टेंट है माइनस का, तो हमारा -16 आना चाहिए अब की बार मल्टीप्लाई, और प्लस माइनस करेंगे तो 6p, तो p² यहां से मैं 8p प्लस का लेता हूं माइनस का 2p और -16, p² + 8p वन ब्रैकेट में, यहां से माइनस को मैं निकाल लेता हूं तो p 2p + 16 सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा। यहां से p को मैं निकालते हैं तो p + 8, 2 को मैं निकाला तो p + 8 एक ब्रैकेट के अंदर, जो बाहर रह जाता है p - 2 दैट इज इन सेकंड ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा। अब मैं इसका एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं, लेकिन वो कहां पर यूज होगा वो भी देखते हैं। जब हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है, इसको मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो देखेंगे कि यहां पर जो कांस्टेंट है वो 1 है, लेकिन a² यानी a² का जब हम सिंपल स्क्वायर रूट करेंगे तो a हो जाएगा, यानी जो फर्स्ट और लास्ट जो हमारी यहां पर टर्म है उनका अगर स्क्वायर रूट निकल जाता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो a² का स्क्वायर रूट a हो जाता है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। अब हमारा जो ये साइन आएगा वो डिपेंड करेगा इस वाले साइन पर, अगर यहां पर प्लस है तो हम प्लस लिख के और यहां पर क्या करेंगे स्क्वायर रूट लिख देंगे, ये हमारा आंसर और ये हमारा आंसर क्या आता है सेम आता है। फिर देखते हैं क्या किया था हमने, यहां पर a² और यहां पर 16 दोनों का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, तभी हम अपना डायरेक्ट तरीका यूज कर सकते हैं। a² का स्क्वायर रूट a, 16 का स्क्वायर रूट 4, ये वाला साइन डिपेंड करेगा इस मिडिल टर्म पे, तो यहां पर प्लस था तो प्लस यूज किया और यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं इस वाली इक्वेशन में p² का स्क्वायर रूट p और 25 का स्क्वायर रूट 5, बीच वाला साइन डिपेंड करेगा मिडिल टर्म पे, तो यहां पर माइनस था तो माइनस स्क्वायर कर दिया, यानी p - 5 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आता है। हम देखते हैं इस वाले में 25m², 25 का स्क्वायर 5, स्क्वायर रूट 5, m² का m, 9 का स्क्वायर रूट 3, और साइन डिपेंड और मिडिल टर्म, तो यहां पर प्लस है तो प्लस, यही हमारा आंसर क्या था लास्ट में। लेकिन आपको करना है जो हमने फर्स्ट जो मेथड किया था उस वाले मेथड से। तो ये हमारा फर्स्ट सम और फिफ्थ सम, सिर्फ आपको यही पार्ट्स करने हैं।
बाकी जो पार्ट्स रहती हैं वो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट के 3 पार्ट्स किए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और ये थर्ड। इसके अलावा हमने फिफ्थ सम के फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर जो पार्ट किए हैं वो किए हैं, बाकी पार्ट्स आप अपने आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे। तो हमने जो 14.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट और फिफ्थ सम के कुछ पार्ट्स किए हैं, बाकी वाले जो सम रहते हैं वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।